दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में। आज है 14 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर देखिए आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज और चौंकाने वाले आपके आंकड़े आपके सामने। लेकिन पिछले 4 साल में 8 करोड़ नई नौकरियाँ मिली प्रधानमंत्री। अब इस खबर को देख लेते हैं डिटेल से, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कहाँ की हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नई नौकरियाँ उपलब्ध हुई हैं। प्रधानमंत्री मुंबई के गोरेगांव उपनगर के क्षेत्र में सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में 29,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और मोदी जी ने कहा कि RBI ने हाल ही में रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। और उन्होंने कहा कि इस आंकड़ों ने नौकरियों पर फर्जी खबरें वालों को चुप करा दिया है। PM ने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की ज़रूरत है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई और इसके आसपास की आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शहर के आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उन्होंने कहा कि छोटे बड़े निवेशकों ने हमारी सरकार के 3रे कार्यकाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। तो सब बातें अलग अलग है, कोई मिला करके मेन बात आपके सामने है कि 8 करोड़ नई नौकरियाँ पिछले 4 साल में दी गई हैं। फिलहाल मोदी जी ने कल अनंत राधिका के विवाह समारोह में शामिल हुए और उनको आशीर्वाद दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ देखिए खबर है कि चिकित्सा अधिकारी की 8 भर्तियों में 1383 पद खाली। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी की 1 महीने में घोषित 8 परिणामों में 1714 पदों में से 1383 पद खाली चले गए। ध्यान देने वाली बात यह कि 1714 पद टोटल थे, 1714 में 1383 पद खाली गए हैं, लगभग 80% पद खाली गए हैं। लोक सेवा आयोग ने 13 जून से लेकर के 12 जुलाई तक 8 विषयों के परिणाम घोषित किए हैं। इसमें केवल 331 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए, मतलब अवेलेबल हो पाए। ये आंकड़े भी यहाँ पर देखिए सामने हैं किस चिकित्सा अधिकारी के कितने पदों पर यहाँ पर चयन हुआ है, कितने पद खाली गए हैं। निकले प्रसिद्धि, शिक्षकों को ढील नहीं माध्यमिक में सख्ती। डिजिटल हाजिरी का 6ठे दिन भी विरोध, कई शिक्षक संकुलों ने दिया इस्तीफा और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है। तो प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद भी डिजिटल हाजिरी से कोई ढील नहीं दी गई है। इसके लिए विभागीय दबाव के बाद शनिवार को कई जिलों में शिक्षक संकुलों ने इस काम से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। वहीं अब माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी सख्ती की जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जा रही है और लिखा है बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं होगी तो बिल पास नहीं होगा। राजकीय माध्यमिक की बात है, एडेड में तो ऑलरेडी बायोमेट्रिक लगी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जगह नहीं लगी हुई है। तो माध्यमिक शिक्षक संघों ने भी दिया समर्थन। बेसिक शिक्षकों के समर्थन में शनिवार को माध्यमिक शिक्षक संघ भी उतर आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि सभी प्रांतीय मंडली जिला पदाधिकारी अपनी टीम के साथ आंदोलनरत प्रसिद्धि शिक्षकों में संघर्ष में शामिल होकर के आंदोलन को सफल बनाए। वहीं पर शर्मा गुट ने भी कहा है कि ये आदेश जो है मनमाना है और हम बेसिक शिक्षकों के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की खबर आपके सामने कि 5 लाख और बुजुर्गों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना से 5 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। लक्ष्य बढ़ाने के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर योजना में लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 61 लाख तक हो जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है कि पेंशन राशि 1500 रुपये करने की तैयारी है। फिलहाल अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, लेकिन अब इसको 1500 किए जाने की तैयारी है। लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि स्क्रीनिंग परीक्षा के पेपर भी डिजिटल लॉक वाले बक्सों में होंगे सुरक्षित। लोक सेवा आयोग
PCS RO ARO जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तरह सीधी भर्तियों के स्क्रीनिंग परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों को लोहे के बक्सों में सुरक्षित रखा जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा की भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और आयोग में स्थापित कंट्रोल रूम से परीक्षा पर सीधी नज़र रखी जाएगी। आयोग ने सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा से तमाम नई व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। इन व्यवस्थाओं को सीधी भर्तियों के स्क्रीनिंग परीक्षा में भी लागू किया जाएगा। दरअसल पहले सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छटनी के लिए होती थी और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा का बहुत महत्व नहीं होता था, लेकिन पिछले दिनों आयोग की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब स्क्रीनिंग परीक्षा के भी नंबर जोड़े जाएंगे। 75% मार्क्स स्क्रीनिंग परीक्षा के जोड़ेंगे और 25% इंटरव्यू के। इस वजह से स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व बढ़ जाने के कारण अब इसमें भी जो है पूरी वैसे ही सुरक्षा होगी जैसे नॉर्मल भर्ती पेपर की। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 5 जिलों के DM समेत 11 IAS अफसरों का तबादला। तो कल जो है 13 जुलाई को 11 डी अफसरों का तबादला हुआ। इसमें काम की बात आपके लिए यहाँ पर ये है कि मनोज कुमार DM थे जो बदायूं के, उनको सचिव बनाया गया उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग में कई सारे प्रशासनिक पद खाली हैं, तो उसी कड़ी में यहाँ पर जो है मनोज कुमार को जो है जो बदायूं से DM थे उनको नए आयोग का सचिव बनाया गया है। ये कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है 13 जुलाई को जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें से। देखिए यहाँ पर मनोज कुमार ये सचिव हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपडेट देखिए यहाँ पर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक में दाखिले के लिए प्रोग्राम घोषित। LLB प्रवेश परीक्षा में मान्य LLM में विकास रहे टॉपर। PG में 4वें सप्ताह से शुरू होंगे प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट यानी PGAT का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया है। LLB, LLM, MVOC, MSc फूड टेक्नोलॉजी, MCA और MCOM का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इसका जो परिणाम है आप लोग आयोग की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जा करके देख सकते हैं और जो भी चयनित यहाँ पर वो इन सभी को शुभकामनाएँ, बाकी लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। वहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय से अपडेट है कि प्रवेश परीक्षाओं में अधूरे सवाल पूछे। लखनऊ विश्वविद्यालय में शनिवार को हुई 5 वर्षीय LLB प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण संबंधी कई गलतियां थीं। दावा है कि कई प्रश्न या तो अधूरे थे या ठीक से मुद्रित नहीं किए गए थे। अभ्यर्थियों के मुताबिक बुकलेट सीरीज B और C में प्रश्न 85 अधूरा था। प्रश्न संख्या में प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 85, 98, 99 और 100 में मुद्रण संबंधी गलती थी। इन प्रश्नों में आधा कंटेंट गायब था। अभ्यर्थियों ने बताया कि मामले की सूचना कक्ष निरीक्षकों को दी गई थी। नई लेखपाल भर्ती के छात्रों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले समय में लेखपाल पदों के पर भर्ती की जाएगी। इसकी सूचना लगातार दी जा रही है, अलग अलग मीडिया पर भी न्यूज जा रही है और कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिशन रोजगार के तहत ये पोस्ट जारी किया गया जिसमें देखिए बताया गया है कि वर्तमान में लेखपालों के 4700 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र ही मतलब पूरा किया जाएगा, मतलब इसका विज्ञापन जल्द ही 2023 पिट के आधार पर जारी होने की सूचना मिल रही है। जो भी लोग लेखपाल वाले हैं अपनी तैयारी में करते रहें और आप लोगों के 4700 पदों पर लेखपाल भर्ती जल्द आने वाली है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएँ। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।